ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में मेरे पास आप सभी के लिए WWE से जुड़ी बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जहां बात करेंगे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड के बारे में, क्या हमें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी फिर से WWE में लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा स्मैकडाउन लाइव के सुपरस्टार समीर सिंह ने भी अपनी इंजरी के बारे में एक वीडियो पोस्ट करी है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा टाइटल मैच जो WWE टीज कर रही है और आने वाले टाइम में हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, और बात करेंगे WWE ड्राफ्ट या आप कह सकते हैं सुपरस्टार शेकअप के बारे में, एक बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो जैसे कि हमने लास्ट रेसलमेनिया में देखा था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग के बीच मैच, और उस मैच में ब्रॉक लेसनर की हुई थी जीत, और तब से लेकर आज तक ब्रॉक लेसनर ही यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में एक रिकॉर्ड सामने आया, मतलब स्टैट आप कह सकते हैं, जो कि यह है कि अभी फिलहाल WWE में आए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हुए हैं लगभग 544 दिन, और उसमें से 320 दिन वो चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर ने अपने कंधों पर संभाली। तो मतलब कि यहाँ पर हम टोटल देखें तो जब से यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई है वो 60% टाइम, मतलब हम कहें तो, वो ब्रॉक लेसनर के हाथों में। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल WWE में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का दूसरा नाम ब्रॉक लेसनर है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है मार्क हेनरी से। तो आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि क्या हमें मार्क हेनरी दोबारा से WWE में लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो अभी उनके बारे में रिपोर्ट्स ये हैं कि अभी WWE के ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है कि मार्क हेनरी से दोबारा रेसल करवाया जाए, और शायद हमें मार्क हेनरी दोबारा से WWE में लड़ते हुए दिखाई ना दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्क हेनरी रेसल करेंगे नहीं, अगर आगे WWE के ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं तो शायद हो सकता है कि हमें मार्क हेनरी एक बार फिर से WWE के रिंग में लड़ते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्मैकडाउन लाइव के सुपरस्टार से, और ये हैं समीर सिंह। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको चैनल पर अपडेट दे दी थी कि समीर सिंह को इंजरी हुई है उनके ACL में, और इसकी वजह से वो WWE के एक्शन से बाहर रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वाली वीडियो पोस्ट करी है, जहां पर आप देख सकते हैं वो दोबारा से चलना सीख रहे हैं, और उन्होंने कैप्शन में भी यही बात लिखी है। खैर, खुश होने वाली यहां पर कोई भी बात नहीं, क्योंकि अभी भी काफी लंबा टाइम है, और फिलहाल हमें समीर सिंह बहुत लंबे टाइम तक WWE के एक्शन से बाहर दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है यहां पर रॉ ब्रांड से। तो अभी भी क्लियर नहीं है कि रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आगे चैलेंजर कौन होंगे। फिलहाल रॉ के टैग टीम चैंपियन है शेमस एंड सेजारो। तो WWE ने अपने प्रीव्यू वाले सेक्शन में, जो कि अगली मंडे नाइट रॉ के लिए होगा, वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है कि वो टीज कर रहे हैं द बार वर्सेस रिवाइवल के बीच मैच। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए या तो रॉ के एपिसोड में या फिर एलिमिनेशन चेंबर में द रिवाइवल वर्सेस शेमस एंड सेजारो के बीच कोई मैच देखने को मिले। फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये बात तो मैं आपको चैनल पर बता चुका हूं कि बैकलैश पेपर में इस बात के रूमर्स हैं कि हमें WWE ड्राफ्ट या फिर शेकअप टाइप कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर ऐसे में सवाल ये कि कौन सा सुपरस्टार अपना ब्रांड स्विच करेगा, मतलब रॉ से स्मैकडाउन, और स्मैकडाउन से रॉ में कौन सा सुपरस्टार जाने वाला है। तो अभी एक फोटो सामने निकल कर आई है, जो कि समर स्लैम के टिकट की, और शायद हो सकता है कि यही टिकट हमें कहानी बयां कर दें कि क्या होने वाला है इस बार के ड्राफ्ट में। तो आप यहां पर देख सकते हैं, रेड साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, नेओमी, उसो, शार्लेट फ्लेयर, रोमन रेंज, शिंस्के नाकामुरा एंड रोंडा राउजी। और इनमें से भी जो नेओमी, उसो, शार्लेट और शिंस्के नाकामुरा है वो है फिलहाल ब्लू ब्रांड में, मतलब स्मैकडाउन में, और उन्हें यहां पर दिखाया जा रहा है रेड साइड पर। तो ऐसे में हो सकता है कि ये सुपरस्टार हमें आने वाले टाइम में रॉ ब्रांड पर जाते हुए दिखाई दें। वहीं बात कर लें ब्लू साइड वाले टिकट की, तो यहां में दिखाई देते हैं न्यू डे, रैंडी ओटन, समोआ जो, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स एंड साशा बैंक्स। और उसमें से भी साशा बैंक्स, सेथ रॉलिंस एंड समोआ जो फिलहाल है रॉ ब्रांड पर, और उन्हें दिखाया जा रहा है एजे स्टाइल्स, न्यू डे और रैंडी ओटन वाले स्मैकडाउन सुपरस्टार के साथ। तो ऐसे में हो सकता है कि हमें ऐसा ही कुछ WWE के ड्राफ्ट में देखने को मिला। और कई बार ऐसा होता भी कि WWE एडवर्टाइज करने के जरिए अपने आने वाले प्लान्स पहले लीक कर देती है। तो ऐसे में अगर इस बार हम इस फोटो पर यकीन करें तो शायद हमें WWE ड्राफ्ट में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, आप रूमर्स मान सकते हैं, इसे कंफर्म कुछ भी नहीं है कि क्या हमें WWE ड्राफ्ट में ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि ब्रॉक लेसनर के इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाले रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है, और अगर WWE ड्राफ्ट के बारे में जो फोटो सामने आई है, अगर ऐसे ही कुछ ड्राफ्ट में होता है तो क्या आप इस बार के ड्राफ्ट से खुश होंगे या नहीं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।